आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा, बहुत ही टेस्टी राजमा। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, आइए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं राजमा बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी मैं। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है ये। राजमा मैंने लिए थे, उसके बाद हल्दी और नमक डाल करके पानी में बॉईल किया। राजमा आपको इतना बॉईल करना है कि ऐसे हाथ से प्रेस करते ही दब जाए, कड़ा ना रहे, तब राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने चाट मसाला लिया, हम एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे। हमने राजमा जब बॉईल किया हल्दी और नमक डाल करके, तो उसका ये पानी हमने निकाल के रख लिया है, जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब उसमें यूज़ करेंगे। दो प्याज का हमने पेस्ट बनाया है, दो बड़े टमाटर का हमने ये प्यूरी बनाई है, एक छोटी सी गांठ अदरक की, उसके ऐसे जूलियंस कट करके रखे हैं। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने राजमा बॉईल करते समय नमक डाला हुआ है, इसलिए हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है। ये हमने एक बड़ा चम्मच अदरक का कद्दूकस करके ये लच्छे बना के रखे हैं, बारीक पेस्ट है ये। ये एक बड़ा चम्मच गरम मसाला है, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, आधा छोटी चम्मच हल्दी है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालते, राजमा का जो ओरिजिनल कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर हल्दी डालते हैं तो थोड़ी सी डालते हैं। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, हल्दी ऑप्शनल है। एक चुटकी हींग डालनी है, इसलिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये हमने दो बड़े चम्मच तेल गरम किया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हमने सरसों का तेल यूज़ किया है। दो बड़े चम्मच तेल गरम करें, डालेंगे। जब तेल गरम हो गया, ये एक चुटकी हींग डाली है, एक चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, वो लहसुन डाला और ये अदरक, एक चम्मच अदरक, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला। ये अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से भून जाए, लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कच्चे लहसुन में स्मेल बहुत रहती है, इसलिए पहले लहसुन डाला है। अब इस तरीके से अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाया हमने, जीरा और ये सब पूरा अच्छे से भून गया। अब इसमें प्याज का जो पेस्ट किया हुआ है, ये पिसा हुआ प्याज डाल करके भूनेंगे। प्याज का पानी पूरा सूख जाए हमें तब तक भूनना है। ये देखिए प्याज भून चुकी है, प्याज और तेल सेपरेट हो गया है। प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और तेल सेपरेट हो गया है, प्याज भून गई है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला, एक चम्मच गरम मसाला, ये लाल मिर्ची पाउडर और ये हल्दी। सबको अच्छी तरीके से भूनना है। और साथ ही ये टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है, आंच धीमी रख लें और इतनी देर भूनें उनको धीमी आंच में कि मसाला अच्छे से भुन जाए और तेल और मसाला सेपरेट हो जाए। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन रहा है, टमाटर का जो पानी है वो भी ऐसे सोख लेता है और सारे मसाले अच्छे तरीके से भुन रहे हैं। मसाला भूनते समय हमेशा आँच को धीमा ही रखें और उसे लगातार हिलाते रहें। थोड़ी देर में अपने आप जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो उसमें से तेल सेपरेट होने लग जाता है।
और जैसे ये मसाला भुन जा रहा है अब हम इसमें ये बॉयल राजमा डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपको राजमा का स्वाद आएगा। अब ये राजमा हमने मसाले में मिक्स कर दिया है, कुछ देर इसको इसी तरीके से पकने दें ताकि जो मसाला है और राजमा के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अभी भी आंच धीमी ही है, मीडियम आंच कर सकते हैं। इसे ढक कर 5 मिनट तक पकने देंगे। अब राजमा को खोल करके देखें, ढक्कन खोल के ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला और राजमा मिक्स हो चुके हैं, खूब अच्छा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले वो पानी डालेंगे जो हमने ये बॉईल किया हुआ पानी लिया था, राजमा का पानी। अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, अगर आपको थोड़ा और पतला चाहिए तो आप थोड़ा और पानी मिक्स कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो। इसमें ये चाट मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करके, थोड़ा सा पानी आप अपने ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि राइस के साथ खाना है तो राजमा थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए सबको, और अभी थोड़ी देर और पकाएंगे तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी मीडियम ग्रेवी रखी है। पानी के साथ भी अभी इसे खोलने देंगे और अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि हमने जो पानी मिलाया है उसके और मसाले और पानी के हिसाब से हमें नमक डालना है। एक्चुअली राजमा बॉईल करते समय हमने नमक डाला था, इसलिए अभी हमने थोड़ा सा नमक डाला है। इसे कुछ देर 5 से 10 मिनट तक फिर इसे ऐसे बॉईल करने देंगे। हो गया है, अब हम इसमें हरा धनिया और कटा हुआ अदरक डालेंगे। ये जो हमने कटे हुए अदरक के लच्छे बनाए थे इनको ऊपर से लास्ट में डालते हैं गार्निश के लिए, और ये बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया सबको मिलाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा तैयार है, इसे आप चपाती के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों को राजमा बहुत पसंद है, कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे घर ये राजमा ज़रूर बनाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस बताएं, और इस रेसिपी को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी मिल सके। थैंक यू। गरम राजमा सर्व करें और ऊपर से घी डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है। गरम गरम राजमा में घी डालकर सर्व करें।